जैव विविधता एवं संरक्षण। यदि दूर स्थित आकाशगंगाओं से कोई अन्य ग्रही एलियन आया हुआ हमारे ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे, तब सबसे पहले जो बात उसका अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जीव, विभिन्न जातियां, स्पीशीज जिनके साथ हम रहते हैं, हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। सामान्य मानुष मुश्किल से विशाल विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियां और चींटियां की जाति, 3 लाख बीटिल भृंग, 28,000 मत्स्य जातियां तथा 20,000 से अधिक पादप आर्किड की जातियां हैं। पारिस्थितिकविद तथा जैव विकास वैज्ञानिक इस विविधता के महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछ कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इतने अधिक जातियां क्यों हैं? क्या यह महान विविधता पृथ्वी के इतिहास में पहले से उपस्थित थी? ये सब विचित्रताएं कहाँ से आई? जीव मंडल के लिए यह विविधता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है? यदि यह विविधता कम होती तो क्या जीव मंडल का कार्य अलग होता? मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार लाभान्वित है? जैव विविधता हमारे जैव मंडल में न केवल जाति स्पीशीज स्तर पर, वरना जैवीय संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं के बृहद अणुओं से लेकर जी ओम बृहद अणुओं से लेकर जी ओम बायोम तक बहुत विविधता मिलती है। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव विज्ञान एडवर्ड बिलिंगसन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया है। इसमें से अति महत्वपूर्ण निम्न है। अनुवांशिक विविधता, एक जाति अनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकता है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधि पादप राउओल्फिया ओमिटोरिया की अनुवांशिकता विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेस्पिन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। भारत में 50,000 से अधिक अनुवांशिक रूप से भिन्न धान की तथा 1,000 से अधिक आम की जातियां हैं। जातीय स्पीशीज विविधता या भिन्नता जातीय स्तर पर है। उदाहरणतः तो पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकली विविधता या विविधता परितंत्र स्तर पर है। जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षा वन, गरान, मैग्रोव पर्वतभित्ति, कोरल रीफ, आर्द्र भूमि, ज्वारनमुख एस्यूरी तथा अल्पाइन सादल मीडोज की पारितंत्रिक विभिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। प्राकृतिक इस समृद्ध जीवन विविधता को एकत्र होने में विकास के लाखों वर्ष लगे, लेकिन जातीय क्षति यदि इसी दर से जारी रही तब हम इस संपदा को 2 शताब्दियों से भी कम समय में खो सकते हैं। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन तथा रख रखाव के लिए जैव विविधता व इसका संरक्षण एक अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दा बना हुआ है। भारत तथा पृथ्वी में कितनी जातियां स्पीशीज हैं? अब तक खोजी तथा नामित जातियों के प्रकाशित साक्ष्यों तथा तथ्यों से हम जानते हैं कि आज तक कितनी जातियां अंकित की गई हैं, लेकिन पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं इसे प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु व पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि अभी तक और कितनी जातियों की खोज तथा व्याख्या शेष आकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं तथा उनमें से कुछ शैक्षिक अनुमान मात्र है कि वर्गीय समूह की जातियों की खोज उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकली देशों की अपेक्षा शीतोष्ण टेम्परेट देशों में अधिक पूर्ण है। यह सोचकर कि प्रबल रूप से उष्णकटिबंधीय की बहुत सी जातियों की खोज शेष
है। वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किया और कीटों के समूह की उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण जातियों की संख्या की तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु व पादपों के में अनुमानित कर पृथ्वी पर कुल जातियों का आकलन किया। कुछ चरम आकलन की परास 20 से 25 मिलियन है, लेकिन रोबर्ट मेयो द्वारा दिए गए एक अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आकलन वैश्विक जाति विविधता को लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन तक मानता है। आइए पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलुओं के को वर्तमान में उपलब्ध जाति सूचियों के आधार पर देखें। सभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु है, जबकि शैवाल का ब्रायोफाइटा अंतर्वृत्तबीजी तथा अनावृत्तबीजियों जैसे पादप को मिलाकर 22% से अधिक नहीं है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है, जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 कीट हैं। पुनः कीटों की इस अत्यधिक विविधता को हम कैसे समझाएं? संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, एम्फीबियन, सरीसृप, रेप्टाइल्स तथा स्तनधारी मैमल्स से अधिक है। चित्र 15.1 में कुछ मुख्य वर्ग यानी टेक्सा की जातियों के जैव विविधता को दर्शाया गया है। अकशेरुकी, कशेरुकी, अन्य प्राणियों की समूह, क्रस्टेशिया, मोलस्का और कीट, मत्स्य, स्तनधारी पंछी, सरीसृप और उभयचर, पादप, मासेस, फर्न आदि, अवृतबीजीय, लाइकेन, शैवाल और कवक। ये तीनों ग्राफ वैश्विक जीव विविधता की प्रतिनिधि और अकशेरुकी, कशेरुकी तथा पादप जाति के वर्गों के अनुपातिक संख्या है। यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि यह आकलन प्रोकैरियोटिक की संख्या नहीं बताते। जीव वैज्ञानिकों को यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या यह है कि पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है तथा बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य कल्चरबल नहीं है। यदि इन जातियों को समझने के लिए जैव रासायनिक तथा अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं, तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। यद्यपि भारत का भू क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत में भी एक है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां तथा इससे 2 गुने से अधिक जंतु जातियों को अभिलिखित किया जा चुका है। वास्तव में अभी कई जीवित जातियों की खोज तथा उनका नाम दिया जाना शेष है। यदि रॉबर्ट मेयो के वैश्विक आकलन को स्वीकार करें तो तब अभी तक कुल 22% जातियों की ही खोज हुई है। इस अनुपात से भारत की विविधता का आकलन करें तो 1 लाख से अधिक पादप और 3 लाख से अधिक जंतु जातियों की खोज तथा वर्णन होना शेष है। क्या हम कभी अपने देश की संपूर्ण जैविक संपदा की खोज कर सकेंगे? सोचिए इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितनी प्रशिक्षित मानव शक्ति, वर्गीकरणविद तथा समय की आवश्यकता होगी। यह स्थिति और भी अत्यधिक भयावह हो सकती है जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोजी करने से पहले ही विलुप्त हो रही हैं। प्राकृतिक एवं जैविक पुस्तकालय उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों के सूचीबद्ध करने से पहले ही विनष्ट हो रहा है। जैव विविधता के प्रति रूप पैटर्न, अक्षांशीय प्रवणता, जंतु व पादप की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। बहुत से जंतु व पौधों के समूह में रोचक विविधता मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता उतार चढ़ाव है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर उस कटिबंधीय क्षेत्र अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 14,000 पंछी जातियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री उत्तर में है 105 पंछी जातियां, वह ग्रीनलैंड के 71 डिग्री उत्तर में केवल 56 पंछी
पंछी जातियां हैं। भारत में जिसका अधिकतर भूभाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, 1200 से अधिक पंछी जातियां हैं। इक्वाडोर के उष्ण कटिबंध के वन क्षेत्र में, जैसे कि इक्वाडोर, समोहनी पौधों की जातियां यूएस के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। यहाँ पर 40,000 पादप जातियां, 3,000 मत्स्य, 1,300 पंछी, 427 स्तनधारियां, 427 उभयचर, 378 सरीसृप तथा 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जातियों का आवास है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षावनों में अभी भी कम से कम 2 लाख कीट जातियों की खोज तथा पहचान शेष है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे क्या विशेष है जिसके कारण उसमें सबसे अधिक जैव विविधता है? पारिस्थितिकी तथा जैव विकास विदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं की हैं, जिनमें से कुछ मुख्य निम्न हैं। पहला, जाति उद्भवन स्पीशिएशन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनद ग्लेशिएशन होता रहता रहा, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत आबादित रहा है। इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत समय मिला है। ख, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेतन सब विशिष्टीकरण निको स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से अधिकाधिक जैव विविधता हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पाद अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता की होती है। जातीय क्षेत्र संबंध, जर्मनी के महान प्राकृतिकविद और भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के जंगलों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्रों की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। वास्तव में जाति समृद्धि और वर्गों को अनावृत बीजीय पादप जैसे पादप पंछी, चमगादड़ और लवण जलीय मछलियां की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार, अति परवलयाकार, रेगुलेटेगुलर हाइपोबोला होता है। चित्र 15.5 लघुगणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है, जो कि निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लाग एस बराबर लाग सी प्लस जेड लॉग ए, जहां यस जातीय समृद्धि ये क्षेत्र तथा जेड रेखीय ढाल समाश्रय गुणांक रिग्रेशन को एफिशिएंट, सी बराबर वाई माइनस अंतःखंड इंटरफेस बनाता है। पारिस्थितिकीय वैज्ञानिकों ने बताया कि जेड का मान 0.1 से 0.2 प्रास में होता है, भले ही वर्गीय समूह अथवा क्षेत्र जैसे कि ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पंछी या न्यूयॉर्क के मोलास्का कुछ भी हो। समराचरण यह रेखा ग्रीसेशन लाइन की ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है, लेकिन यदि हम किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप के जातीय क्षेत्र संबंध का विश्लेषण करते हैं, तब ज्ञात होता है कि समराचरण रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी है। जेड का मान की परास 0.6 से 1.2 है। 5.2 चित्र जातीय और संबंध को प्रदर्शन लॉग पैमाने पर संबंध रेखीय हो जाता है। क्षेत्र जातीय समृद्धि लाग लॉग पैमाना यस बराबर सी जेड स्क्वायर अर्थात लाग सी 1 पावर जेड, लाग यस बराबर सी लॉग सी प्लस जेड लॉग ए को दर्शाया गया है। उदाहरणतः विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों के फलहारी वृक्ष तथा स्तनधारियों की रेखा की ढलान 1.15 है। इस संदर्भ में तिरछी खड़ी ढलान का क्या अर्थ है? जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व क्या? किसी समुदाय में जातियों की संख्या पारितंत्र के कार्यों को वास्तव में प्रभावित करती है? यह ऐसा प्रश्न है जिसका पारिस्थितिकीविद उचित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से दशकों तक पारिस्थितिक विदों का विश्वास था कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होती हैं, वहां परितंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। एक जैविक समुदाय के
ये सटीक स्थिरता क्या है? एक स्थिर समुदाय की उत्पादकता में साल दर साल अधिक अंतर नहीं होता होना चाहिए। यह समय समय पर आने वाले प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाला तथा विदेशी एलियन जातियों के आक्रमण को रोकने वाला भी होना चाहिए। हम नहीं जानते कि ये गुण जातीय समृद्धि से किस प्रकार संबंधित है, लेकिन डेविड टिलमैन द्वारा प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों पर लंबे समय तक परितंत्र इकोसिस्टम के प्रयोग इस बारे में कुछ प्रारंभिक उत्तर देते हैं। टिलमैन ने पाया कि उन भूखंडों के जिन पर अधिक जातियां थी साल दर साल कुल जैव भार में कम विभिन्नता दर्शाई। उन्होंने अपने प्रयोगों में यह भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। यद्यपि हम पूर्ण रूप से यह नहीं जानते कि कैसे जातीय समृद्धि परितंत्र अच्छा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है, यह हम यह समझते हैं कि महसूस करते हैं कि समृद्ध जैव विविधता केवल अच्छे परितंत्र के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर मानव जीवन की जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। इस समय जब हम जातियों को भयावह गति से खो रहे हैं, तब प्रश्न उठता है कि यदि कुछ जातियां लुप्त हो जाएं, तो क्या वास्तव में इसका हम पर प्रभाव पड़ेगा? यदि पश्चिमी घाट के परितंत्र में से वृक्षों में पाए जाने वाले मेढक की जाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए, तब क्या वहां को परितंत्र का कम क्रियाशील होंगे? यदि पृथ्वी पर 20,000 चींटियां जातियों के स्थान पर केवल 15,000 जातियां ही रहें, तब हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इन सीधे प्रश्नों कोई उत्तर नहीं है, लेकिन स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकी विद्पाल एहरिक द्वारा उपयोग की गई रिवेट पेपर परिकल्पना से हम एक सही विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। एक वायुवान परितंत्र के हजारों रिवेटों जातियों द्वारा सभी भागों को जोड़ा जाता है। यदि वायुवान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट किलक को ले जाने लगे जाति विलुप्त का कारण, तब आरंभ में जहाजों की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन यदि और अधिक रिवेट हटा लिए जाएं, तब कुछ समय बाद जहाज खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएगा। साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिवेट हटाया गया है। जहाज के पंख का रिवेट हटाना हवाई सुरक्षा की दृष्टि से जहाज के अंदर सीट व खिड़कियों के रिवेट हटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ जहाज के पंख के रिवेट को परितंत्र की मुख्य जातियों से तुलना की गई है। जैव विविधता की क्षति, जबकि यह संदेशपूर्ण है कि क्या जाति उद्भवन द्वारा कुछ नई जातियां पृथ्वी की जातियों में सम्मिलित होती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी निरंतरता हानि होगी। हमारे ग्रह पर जैसे संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है, इसके लिए मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण है। मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पंछियों की 2,000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं। IUCN की लाल सूची 2004 के साक्ष्य के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 484 जातियां 338 कशेरुकी और 559 अकशेरुकी तथा 87 पादप लुप्त हो गई हैं। नई विलुप्त जातियों में मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर, समुद्री गाय एवं बाली जावा तथा कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां शामिल हैं। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातियां वर्ग को टैक्सा के विलोपन यादृच्छिक रैंडम नहीं है, जैसे कि उभयचर समूह अधिक विलुप्त हुए हैं। इस भयानक कथा के संदर्भ में एक तथ्य यह भी है कि विश्व की 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्त के कगार पर है। इस समय 12% पंछी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर तथा 31% आवृतबीजी की जातियां विलुप्त के कगार पर है। जीवाश्म फासिलिक अभिलेखों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन से हमने जाना कि जातियों की बड़े पैमाने पर जैसी हानि हम आजकल देख रहे हैं, वैसी मानव के आगमन से पहले भी हुई है। लगभग 3 बिलियन वर्ष
पहले जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविध रूपेण डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। पृथ्वी पर 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटना देख चुके हैं। अब जो छठा विलोपन प्रगति पर है वह पहली 5 घटनाओं में से किस प्रकार भिन्न होगा? अंतर केवल दर में है। आज जातियों की विलोपन दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा 1000 से 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र आंकी गई है। इस तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी है। पारिस्थितिकीविद की चेतावनी है कि यदि यही दर जारी रही तो 100 वर्षों में ही पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त हो जाएंगी। सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से पादप उत्पादकता घटती है। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे सूखा आदि के प्रति प्रतिरोध रेजिस्टेंस में कमी आती है। कुछ परितंत्र की प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पाद, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों के परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। जैव विविधता की क्षति जलीय क्षति के कारण जलीय विलोपन की बढ़ती हुई दर, जिसका विकास सामान्य दर समान कर रहा है, वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। निम्न उपशीर्षकों में इसका वर्णन किया गया है। पहला, आवासीय क्षति तथा विखंडन। यह जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्रों में फैले थे, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्रों में नहीं है। ये इतने तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब तक आप इस अध्याय को पढ़ेंगे हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो चुके होंगे। विशाल अमेजन वर्षा वन, जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उसमें संभवतः करोड़ों जातियां स्पीशीज निवास करती हैं। इस वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारा गाहों के लिए काटकर साफ कर दिया गया है। संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जिससे बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है। जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, तब जिन स्तनधारियों और पंछियों को अधिक आवास चाहिए तथा प्रवासी माइग्रेटरी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बहुत तरह प्रभावित होते हैं, जिससे स्पष्ट समशिष्ट पॉपुलेशन में कमी होती है। अति दोहन, मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए पृथ्वी पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब इस प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों से बहुत सी जातियां स्टीलर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर विलुप्त हुई हैं। आज बहुत सारी समुद्री मछलियों आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही है, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की जातियां खतरे में है। विदेशी जातियों की आक्रामकता, जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या उसकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। जैसे जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिकीय रूप से बेजोड़ चीच लीड मछलियों की संख्या 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गईं। आप गाजर घास, पर्थेनियम लोटना और हाइसिंथ आइकार्निया जैसे आक्रामक खरपतवार जातियों से पर्यावरण को होने वाली क्षति और हमारी देशज जातियों के लिए पैदा हुए खतरों से अच्छी तरह से परिचित हैं। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीका कैट फिश, कैलेरियस गैरीपाइनस मछली की हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब यह मछली हमारी नदियों की मूल असल मीन कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। स्व विलुप्ता
जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती है। जब एक परिपोषी मत्स्य जातियां विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। दूसरे उदाहरण विकसित कोलाई कोई वाल्ड परागणकारी पॉलिनेटर सहपाकारिता म्यूचुअल अलाजिम का है, जहां एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। जैव विविधता संरक्षण, हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए? इसके बहुत से स्पष्ट और अस्पष्ट कारण हैं जो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: संकुचन, संकीर्ण, उपयोगी, व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी व नैतिक। जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क स्पष्ट है, जैसे कि मानव को प्राकृतिक से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ हैं, जैसे खाद्य, अनाज, दालें, फल आदि, ईंधन, रेशा, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद जैसा कि टेनिन, स्नेहक, लुब्रिकेंट, रंजक, डाई, रेंजिन, इत्र आदि, तथा औषधि उत्पाद। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां पादप से बनाई जाती हैं। 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोग हो रही हैं। यह किसी को ज्ञात नहीं है कि कितने और नए औषधीय महत्व के पादपों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में खोज होना शेष है। जैसे संभावना से समृद्ध राष्ट्र इसका और अधिक लाभ उठा सकते हैं। यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैव अन्वेषण आर्थिक महत्व के उत्पादों, आणविक, अनुवांशिक तथा जातीय स्तर पर किया जाए, व्यापक रूप से उपयोग संबंधी तर्क कहता है कि प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक परितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। क्या प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई इस सेवा का हम आर्थिक मूल्य आंक सकते हैं? आपने किसी पड़ोसी अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने वाले खर्च से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। प्रांगण जिसके बिना पौधे, फल तथा बीज नहीं दे सकते, परितंत्र की दूसरी ऐसी सेवा है जो परागणकारी कीटों जैसे मधुमक्खियों, गुंज, मक्षिका, पंछी तथा चमगादड़ द्वारा की जाती है। प्राकृतिक परागणकारियों की अनुपस्थिति में परागण को पूरी तरह की लागत कितनी होगी? हम प्राकृतिक से अन्य प्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं। वनों में घूमते समय, बसंत ऋतु में पूरी तरह खिले हुए फूलों को निहारते समय, या प्रातः बुलबुल के गीतों का आनंद, क्या हम ऐसे चीजों की कोई कीमत लगा सकते हैं? जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप व सूक्ष्म जीव जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। दार्शनिक व आध्यात्मिक रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का अपना निज मूल्य, इंट्रिंजिक वैल्यू होती है। पहले भले ही इसका हमारे लिए चालू या आर्थिक मूल्य न हो, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी हालत में रखें। जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें? जब हम संपूर्ण परितंत्र को सुरक्षित तथा संरक्षित करते हैं तब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर भी संरक्षित तथा सुरक्षित हो जाते हैं। एक बाग को सुरक्षित रखने के लिए सारे सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है। इन्हें स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण कहते हैं। जब कभी किसी जीव को विलोपन के संकट से, वे जीव जिनके निकट भविष्य में वन से विलुप्त होने का बहुत अधिक संकट है, बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब इस स्थिति को हम बायस्थाने एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। स्वसंस्थाने इन सीटू संरक्षण की विकास तथा संरक्षण के बीच टकराव का सपना करते हुए भी बहुत से देश अपनी सारी जैविक संपदा के संरक्षण को स्वाभाविक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं समझते हैं। जितने संरक्षण के साधन उपलब्ध हैं उनसे सभी विलोपन से बचाने के लिए जितनी जातियां हैं उनको बचाना दूर की बात है। भूमंडलीय स्तर पर इस समस्या की ओर कुछ श्रेष्ठ संरक्षणविदों ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अधिकतम सुरक्षा के लिए जैव विविधता हॉट स्पॉट पहचाने हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता एंडोमिज्म होती है, जैसे
जातियां अन्य स्थानों पर नहीं होती हैं। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। तत्पश्चात इस सूची में 9 हॉटस्पॉट और सम्मिलित किए गए हैं। संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। चित्र 15.2, ये हॉटस्पॉट त्वरित आवासीय क्षति के कारण भी है। इनमें से 3 हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और श्रीलंका इंडो फॉर्म व हिमालय हैं, जो हमारे देश की असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर संसार को 2% से भी कम है, परंतु इन क्षेत्रों में अवासित जातियों की संख्या अत्यधिक है। इन तथा इन हॉटस्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। भारत में पारिस्थितिकता अद्वितीय और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीवों अभयारण्यों, जीव मंडल आरक्षितों, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अब भारत में 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 वन्य जीव अभयारण्य है। भारत में सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्राकृतिक की सुरक्षा करने पर जोर देता है। बहुत सी संस्कृतियों में वन के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे और उनमें सभी पौधों तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। इस तरह के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खासी तथा जयंतिया पहाड़ी राजस्थान की अरावली कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट व मध्य प्रदेश के सरगुजा चंदा व बस्तर क्षेत्र है। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ व संकटोपन उत्पादों की अंतिम शरण स्थली है। बाह्य स्थल एक्स सीटू संरक्षण, इस संरक्षण में संकटों उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनकी प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। ऐसे बहुत से जंतु जो कि वनों में विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित हैं। आजकल संकट उत्पन्न जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थानों संरक्षण दिया जाता है। अब संकटाग्रस्त जातियों के युग्मकों गेमिट को जीवित व जनक्षम स्थिति में निम्न ताप परीक्षण क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। अंडों को पात्र इन विट्रो निषेचन किया जा सकता है और पादपों की उत्तक संवर्धन विधि द्वारा प्रवर्धन प्रोपेगेशन किया जा सकता है। व्यापारिक महत्व के पौधों के विभिन्न अनुवांशिक प्रभेदों स्ट्रेन के बीज लंबे समय तक एक बीज बैंक में रखे जा सकते हैं। जैव विविधता के लिए कोई राजनीतिक परिसीमा नहीं है, इसलिए इसका संरक्षण सभी राष्ट्रों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन पृथ्वी में सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया कि वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें, उनसे मिलने वाले लाभों को इस प्रकार उपयोग करें कि वे लाभ दीर्घकालिक तक मिलते रहे। इस क्रम में सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि वे सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। सारांश, लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय से पृथ्वी पर जीवों में बहुत अधिक विविधीकरण हुआ है। विविधता जैविक संगठन के सभी स्तरों में उपस्थित कुल विविधता को दर्शाती है। इनमें से अनुवांशिक जातीय तथा परितंत्र विविधता अधिक महत्वपूर्ण है और सभी संरक्षण के प्रयास इन सभी स्तरों पर विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। संसार में 15 लाख से अधिक जातियों के साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर लगभग 60 लाख जातियाँ खोज तथा नामकरण के इंतजार में हैं। जिन जातियों का नाम दिए जा चुके हैं उन जिनमें 70% से अधिक जंतु हैं, इनमें से भी लगभग 70% कीट हैं। इसमें कवक की संख्या सभी कशेरुकी प्राणियों की तुलना में अधिक है। भारत लगभग 45,000 पादपों जातियों तथा इससे दोगुनी जंतु जातियों के साथ विश्व के 12 महाविविधता वाले देश में
में एक है। पृथ्वी पर जाति विविधता सामान्य रूप से वितरित नहीं है बल्कि एक रोचक प्रतिरूप पैटर्न दर्शाती है। यह साधारणतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक तथा ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जाति जाति समृद्धि की महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विकास के लिए समय अधिक मिला, इन्हें पर्यावरण संबंधी स्थिरता मिली तथा इस क्षेत्रों को अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई जिससे अधिक उत्पादकता होती है। जाति समृद्धि किसी प्रदेश के क्षेत्र पर आधारित होती है। जाति क्षेत्र संबंध समानता एक आयताकार अति परवलयकीय कार्य है। ऐसा माना जाता है कि उच्च विविधता वाले समुदाय कम परिवर्तनशील, अधिक उत्पादक तथा जैव आक्रमण के प्रति अधिक प्रतिरोध रोधी होते हैं। पृथ्वी का जीवाश्म इतिहास प्राचीन समय के व्यापक विलोपन को दर्शाता है, लेकिन वर्तमान विलोपन की दर प्राचीन दर से 1000 से 100 से 1000 गुना अधिक है, जो कि मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों की देन है। वर्तमान समय में लगभग 700 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 15,500 से अधिक, जिसमें 650 से अधिक भारत में है। जातियां वर्तमान समय में विलोपन के संकट का सामना कर रही हैं। आजकल अधिक विलोपन दर के कारण आवासीय विशेषत वन क्षति एवं खंडन, अति दोहन, जैविक आक्रमण तथा सही विलोपन। पृथ्वी की समृद्धि जैव विविधता मानव जीवन के लिए प्राणधार है। जैव विविधता को संरक्षित करने के मुख्य कारण संकीर्ण रूप में उपयोग, व्यापक रूप से उपयोग तथा नैतिक है। परितंत्र में हमें प्रत्यक्ष लाभ जैसे भोजन, रेशा, लकड़ी और औषधियों के अलावा बहुत से अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि परागण, पिड़क नियंत्रण, जलवायु तथा बाढ़ नियंत्रण आदि। पृथ्वी की जैव विविधता की अच्छी तरह देखभाल करना तथा उसके अपनी अगली पीढ़ी को प्रदान करना हमारे नैतिक कर्तव्य है। जैव विविधता संरक्षण स्वस्थाने इन सीटू तथा बाय स्थाने एक्स सीटू होता है। स्वस्थान में संकटपन जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि सारा परितंत्र सुरक्षित रह सके। आज तक संसार की 34 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट की गहन संरक्षण प्रयास के लिए चुना जा चुका है, जिनमें से 3 पश्चिमी घाट श्रीलंका, हिमालय तथा इंडो वर्म भारत के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र में आते हैं। हमारे देश के स्वस्थान संरक्षण के प्रयास में 14 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान, 450 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य व बहुत से पवित्र उपवनों के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। वह स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों को प्राणी उद्यानों तथा पादप उद्यानों में पात्र इन विट्रो निषेचन, उत्तक संवर्धन प्रवर्धन तथा युग्मन के निम्न ताप परिरक्षण जैसे विधियां आती हैं।